आप एक गांव के मुखिया हैं, सरपंच हैं, आप प्रधान हैं, आपसे हमारे सवाल इसलिए बनते हैं, आप कश्मीर, कश्मीर को दुनिया में ही जन्नत कहा जाता है, उनके गांव वहापुरा है जिसके आप सरपंच हैं, जिला उसका बड़गाम है। तो सर मैं आपसे ये कह रहा था, लाइट की परेशानी वहां पर मौजूद है, वहां पे जो है सड़कों की परेशानी मौजूद है, वहां पे पानी की परेशानी मौजूद है। खैर हम बात ये कर रहे थे, आप सड़कों को कब बनाने का काम पूरा करेंगे सर? सर, मैं स्वागत करता हूं आपको इस चैनल में। मैं ये भी बता रहा था कि मगर यहाँ नेटवर्क कट गया है कि सड़कों का प्लान हमने हाथ में ले लिया है। कुछ रोड हमने बनाए हैं, भी बनवाना भी बाकी है। नंदनपुरा से वापोरा जो तक रोड, वो भी हमने बनाया है, और बनगाम, मुलशला और बनगाम, इन रोडों को हम जोड़ना चाहते हैं। मैं आपकी वसादत से लोगों को कहना चाहता हूँ कि इसको हमको लगेगा बस सिर्फ 2 महीना, 1.5 महीना, जो जैसे वो रोड भी हमने मुकम्मल किया है कुछ ही महीने में, उनको भी इंशाल्लाह 1-2 महीनों में हम मुकम्मल करेंगे रोडों बिल्कुल का सर, मतलब। देखिए क्योंकि वहां के लोगों की समस्या अगर आप नहीं सुनेंगे तो ओके कौन ओके सुनेगा सर। वहां पे मैं 1 महीना खुद मौजूद था, वहापुरा में मैं लोगों के ठीक सर, बीच रहा, मैंने वहां के लोगों की परेशानी जो जानी, खुद आंखों से जो मैंने देखा सर, वहां की अगर लाइट का ट्रांसफार्मर टूट जाता है तो वहां के ही लोग जो है वहां पे आपस में कैलकुलेट कर कर पैसे इकट्ठा कर कर वहां का ट्रांसफार्मर 1 से 2 महीने के बाद रखते हैं। क्या सर ये आपका फर्ज नहीं है कि वहां की लाइट की समस्याओं को दूर किया जाए? आप प्रधान हैं पर सर आपकी बात मानी जाएगी, अगर आप आवाज उठाएंगे तो अधिकारी भी सुनेंगे, अधिकारी भी सुनेंगे, मुख्यमंत्री भी सुनेगा सर, पर आप आवाज उठाए तब ना सर। हाँ सर, हाँ सर, आपका कहना सही है कि जब से मैंने प्रधानी संभाली है तब से मैंने तकरीबन तकरीबन 8-10 लाख रुपए इसी पावर डिपार्टमेंट के पावर मतलब इसी मटेरियल पर खर्च किया है। ट्रांसफार्मर भी बहुत लगाया है, और इस वक्त भी एचटी पर काम चल रहा है और ट्रांसफार्मर भी लगे हैं। कुछ ही दिनों से, 4 दिन पहले हमारा एक ट्रांसफार्मर भी जल गया है, उस पर भी हमने फौरन काम शुरू करवाया, और उसको अभी वो इस वक्त लगा है, तो 2-3 दिन में वो ट्रांसफार्मर भी खड़ा हो जाएगा। उससे पहले भी 2-3 ट्रांसफार्मर लगाए, और इस वक्त एचटी लाइन भी आ गई है। हमें हमारी बहुत समस्या थी एचटी लाइन की, और इस एचटी लाइन को हमने तुरंत 15-20 दिन में हमने उनको ठीक करवाया, और कुछ ही दिन में वो रेस्टोर भी हो जाएगा। और अब रही अंदर वाली लाइन की बात, अंदर में भी एलटी पोल्स लग रहे हैं। बहुत समस्या थी हमारे गांव में, यहाँ तो बहुत प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम थी। जब से हमने संभाला तो मैंने बहुत कोशिश किया, और आगे भी कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह 1-2 महीने में सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा सर। पर आप देखिए कोशिश करने से कुछ नहीं होता है, काम हो तब कुछ होता है, क्योंकि सही कोशिश सही सब करते हैं, जो काम कराए जनता उसको अच्छा कहती है सर। सर मैं सही देखिए ये प्रोग्राम है, मेरा चैनल ही सच्चाई और अच्छाई दिखाता है, हक की आवाज उठाता है, चाहे वो गाँव का सरपंच हो, प्रधान हो, या मुख्यमंत्री हो, या विधायक हो, हम सबको अपने चैनल पर बिठाते हैं। जिस गाँव की जो समस्या होती है हम पूछते हैं सर, आपसे हमारा फर्ज है सवाल पूछने का, क्योंकि जनता ने आपको चुना है, जनता जो है आपको जो है वहां की सिर का ताज आपके सर पर सजाया है, जनता ने जीत का, आप एक वहापुरा के सरपंच हैं सर। वहां की लाइट तो खैर देखिए बहुत बड़ी समस्या है, सड़क और गड्ढे वहां की बहुत बड़ी समस्या है, पर अब बात आती है पानी को लेकर। देखिए पानी की इतनी बड़ी परेशानी होती है और इतनी ज्यादा नीड होती है, इतनी जरूरत होती है कि अगर पानी ना हो तो घर की समस्या क्या हो सकती है, घर की परेशानियां क्या बढ़ सकती है, वो आप बेहतर जानते हैं। मैं वहापुरा में रहा सर, हाथ धोने को पानी नसीब नहीं था सर, क्या है ये बता दीजिए एक बार। हाँ, हमारी समस्या ये पानी की है। हमारा यहाँ एक पानी का चश्मा था, उस पर बहुत से गांव, हमारे यहाँ पर एक रिजर्वर भी बना है वापुरा में, मगर वहाँ पर चश्मे से कम पानी निकलता है, और उस पर हमारे बहुत सारे गांव है, वडवन है, सैबुग है, नाइदगाम है, और बहुत सारे इलाके हैं, गोतपोरा है, गोतपोरा है, वो इतना लोग नीचे है, उतना पानी वहाँ उस चश्मे में नहीं है। अब हमने क्या किया, अब हमने एक प्लान बनाया, और इसके तहत हमने 2-2.5 करोड़ रुपए का जल जीवन की तरफ से आ रहा है, और हमारे एक रिजर्वर यहाँ पर बनाना है। जब तक वो तैयार हो जाएगा तो इंशाल्लाह लोगों की समस्या पूरी खत्म हो जाएगी, मतलब उनकी परेशानी अब खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। वो जल्द ही 2-2.5 महीने में वो तैयार हो जाएगा। तब तक हमने क्या किया, हमने बोरवेल्स कुछ अपने हाथ में ले लिए हैं, पानी को बोरवेल्स हम इस वक्त लगा रहे हैं। पानी की समस्या कुछ हद तक अब दूर हो गई है। जब इंशाल्लाह मैं कुछ ही टाइम आपको मांगता हूँ, 2-2.5 महीने तक ये समस्या भी पूरा पूरा मुकम्मल हो जाएगी। सर उम्मीद है आपसे कि आप जो है काम अच्छा कराएंगे, कोशिश अगर आप कर रहे हैं, ताकि अभी तक काम वहापुरा के अंदर अच्छा हुआ नहीं है, अगर आगे हो जाए तो वहां के लोगों की जिंदगी जो अंधेरे में है, वहां के बच्चों की पढ़ाई ठप पड़ी हुई है, तो हो सकता है वो बेहतर हो जाए, उसमें आपके बच्चे भी आते हैं,
और आम लोगों के भी बच्चे आते हैं महापुरा के अंदर, तो आपसे उम्मीद है कि आप बेहतर काम करेंगे। फिलहाल बेहतर नहीं हुआ है, आप बता दीजिए सर, महापुरा में आपने अभी तक क्या विकास कराया था? क्या विकास तो बहुत हुआ है सर, मतलब जितना होना था उतना भी नहीं हुआ सर। ठीक है, डिमांडे बहुत है, पैसा ऊपर से कम आ रहा है। विकास हो गया, रोड ही बने हैं, प्ले ग्राउंड बने हैं, और यहाँ पर नदी नाले वो जो नए नरेगा में हमने रोड बनाए हैं और ड्रेनेज करवाए हैं, 14th FC में कुछ टाइल पाथ करवाए हैं, और नए नए रोड भी खोदे जा रहे हैं। हमारा कनेक्टिविटी कम था हमारे गाँव में, नए नए रोड निकाले और प्ले ग्राउंड हमने ये भी बनाया है, उसमें बहुत सारे नौजवान इस वक्त खेलने में मशगूल है, तो और भी उम्मीद है, तो और भी काम हो जाएंगे। नरेगा के में भी बहुत काम किया, 14th FC वाले में बहुत सिक्के में, जो आपको पता ही होगा सर, उसके लिए वहां से पैसा आ रहा है, और इस वक्त भी हमारे 2-3 रोड नरेगा में, रेलवे और वहापोरा से रेलवे नाहिदगाम तक, और यहाँ से दूसरा रोड चल रहा है इमामिया पब्लिक स्कूल से कदरबल तक, और दूसरा रोड है यहाँ से इधर वाटर टैंकी तो नस्ला और बटपोरा तक, उस रोड को हमने हाथ में ले लिया। इंशाल्लाह मैं आपकी वसात से लोगों को कहना चाहता हूँ कि इनको भी जल्द से जल्द 1 या 2 डेढ़ महीने में इनको भी मुकम्मल करेंगे सर, सर तो लोगों बिल्कुल, की। देखिए आपसे उम्मीद है, सिर्फ हमारा इतना फर्ज था, लोगों की आवाज हम आप तक पहुंचा रहे थे, जो महापुरा के लोग आपसे चाहते हैं और जो आपसे उम्मीद रखते हैं, और हम भी आपसे एक उम्मीद रखते हैं। हो सकता है आप अच्छा काम करें और विकास के बेहतर उतरे, यही हम आपसे कामना करते हैं। खैर, आपने हमें वक्त दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जीवन में हकी और सच्ची आवाज उठाता रहेगा। और मैं आप ये जो थे कश्मीर जिला बड़गाम महापुरा गाँव से सरपंच साहब गुलाम मोहम्मद डार जी थे, जिन्होंने जिनसे हमने सवाल पूछे और इन्होंने जवाब दिए। बात ही ये मानते हैं कि